हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आपका ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर तो थोड़ा सा ही आपको दिया है इस चैप्टर में, बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स नहीं है, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फ्यूचर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में लाइन बाई लाइन कवर कर रहे हैं। ये जो सीरीज है पूरी वो इसी तरह से कवर होगी। तो इसमें कह रहे हैं कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एंड रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो हम इससे पहले की क्लासेस में, क्लास 7 और 6 में हम पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो जनरेशन से जो आपकी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज़ के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो गए चाहे वो कोई जानवर हो गया, ठीक है, उसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो मस्ट है अगर उसको अपनी पीढ़ी को या अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। मान लो कि रिप्रोडक्शन ना हो, मतलब नए बच्चे का जन्म ना हो, तो उसमें क्या होगा? तो जो इस समय पीढ़ी है वो तो पीढ़ी एक एज के बाद 40 साल 50 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप सोचें कि न्यू बॉर्न बेबी अगर नहीं होंगे तो आने वाली जनरेशन एकदम से ख़त्म हो जाएगी। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब चलिए देख सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन प्लांट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो इस पूरे चैप्टर में जो एनिमल्स का रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे वो होता है ना, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के मोड्स कैसे, कौन कौन से मोड्स होते हैं वो हमें याद जानना है। करें हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस, ठीक है, कंप्लीटिंग द टेबल 9.1। अगर हम इस टेबल को ध्यान दें, इस टेबल को कंप्लीट करें, तो इसमें कितने टोटल 7 दिए। पहला ह्यूमन है, तो ह्यूमन का यंग वन कौन, यंग वन को क्या कहते हैं, बेबी कहते नहीं कहते, छोटा सा जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये तो हम बहुत आसानी जानते हैं, लेकिन कैट के लिए हम क्या कहते हैं, कैट के जो बेबी है उसको हम क्या कहते हैं, बताएं आप। तो कैट के बेबी को हम कहते हैं किटन, क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। ऐसे ही डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, बताएं, पप्पी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और बटरफ्लाई, तो अगर बटरफ्लाई की हम बात करें तो बटरफ्लाई का जो बेबी होता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटरपिलर, तो कैटरपिलर बोलेंगे। और यहाँ पर ये हैं के बेबी को चिक कहते हैं। ऐसे ही काऊ के बेबी को क्या कहते हैं, काऊ का जो बेबी होता है उसको काफ कहते हैं। और फ्रॉग के बेबी को आप बताएं, तो फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टैडपोल। तो यहाँ पर हमने बेबी जो यंग वन थे उनके बारे में जाना। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी, कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वंस ऑफ द वेरियस एनिमल्स बींग बॉर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न, हाउ आर किटन्स एंड पपीज आर बॉर्न। तो आपने चिक देखे होंगे, जो चूजे होते हैं, तो किससे, अंडे से निकलते, नहीं निकलते। जो कैटरपिलर्स होते हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैटरपिलर्स कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि किटन्स जो हैं एंड पपीज जो हैं वो कैसे बॉर्न होते हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, वो डायरेक्ट जैसे अंडा नहीं होता इनका, है ना। तो ये अभी हम पढ़ेंगे जो ओवीपोरस होते हैं बाकी, है ना। कह रहे डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे बॉर्न एंड दे नाउ, लेट अस फाइंड आउट। तो जब बेबी, उसमें जो अगर आप देखें उसका जो ब्रॉडली स्ट्रक्चर देखें वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। कह रहे जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। तो दो तरह के मोड्स होते हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला हो गया सेक्सुअल प्रोडक्शन, और दूसरा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम सेक्सुअल वाला पढ़ेंगे, बाद में असेक्सुअल वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो पहला देख लेते हैं कि
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन द प्लांट्स, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, कह रहे यू विल रिमेंबर दैट द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अब कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल दो पार्ट का होना जरूरी है। कैन यू नेम दीज पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स, तो एनिमल्स के अंदर भी मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, लाइक प्लांट्स। कह रहे द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, है ना, दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक जायगोट होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है किसी बेबी के लिए, बेबी के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जायगोट होगा और मेल पार्ट्स में आप बोलो ये गैमेट्स हैं, क्या गैमेट्स। तो यहाँ देखें विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन। तो ये गैमेट्स जो है वो आपका फ्यूज हो जाएगा किस में, एग में। अभी एग पढ़ाते हैं जो फीमेल पार्ट है, तो एग में फ्यूज होगा और यहाँ से हमारा क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है उसका उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट अस फाइंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अब हम जो है वो इसके आगे जो है क्या लिखा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल का ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हमें जो है यहाँ जानना है। देखो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा सेंसिटिव चैप्टर है, तो आप जो है इसको पढ़ते समय थोड़ी सी सीरियसनेस की तरफ पढ़ें, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर मतलब ये आपको आप चाहे बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, आपको हर किसी को ये नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ह्यूमन स्पर्म इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके थ्री पार्ट्स होंगे, एक हेड होता है, फिर आपका मिडिल पीस होता है और ये आपकी टेल होती है, ठीक है। तो इसी बारे में पढ़ते हैं, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, सिंगुलर टेस्टिस बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ टू स्पर्म डक्ट्स होती हैं, टू स्पर्म डक्ट होगी ये वाली स्पर्म डक्ट्स हैं ये, है ना। और यहाँ देखें स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस, कह रहे हैं द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। तो ये मेल गैमेट्स होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, तो टेस्टिस के द्वारा जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, लुक इन द फिगर 9.2। अगर आप 9.2 के अंदर देखें, ये देखें तो ये स्पर्म है, इसका ये हेड है और इसका मिडिल पीस एंड टेल। कह रहे हैं विच शोज द पिक्चर ऑफ द स्पर्म्स, दो स्पर्म्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल होता है, ईच हैज हेड मिडिल पीस एंड जो होता है इसका टेल, डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल। तो ये जो होता है वो आपका सिंगल सेल होता है, क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंडीड ईच स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है, ईच स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा होता है, ठीक है, वो देखें कह रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, तो कोई ये देखो ये ओवरीज है ना ये वाली, यहाँ लिखा भी है, यहाँ भी देखेंगे तो स्पर्म्स पेनिस एंड आपका टेस्टिस, तो ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ इस फिगर को जो है वो ध्यान रखें और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कह रहे हैं कि ओविडक्ट्स आपके ही हो गए, है ना, तो एग का जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर वो इसके अंदर जाएगा, ओविडक्ट के थ्रू जाएगा, ओविडक्ट्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, एंड द यूटेरस, तो यूटेरस वाला पार्ट आपका यहाँ होगा जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ओवरीज प्रोड्यूसेस, तो ये ओवरी है ये एग को प्रोड्यूस करती हैं, जो एग होता है वो एग जो है वो एग और स्पर्म जो आपका है ना मेल गैमेट्स वो दोनों क्या होंगे फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद न्यू बेबी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए कह रहे हैं फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, उसको हम एग कहें या फिर ओवा कहते हैं। कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज, तो ह्यूमन जनरली जो है वो सिंगल एग जो है वो सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट, ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर मंथ एक एग जो है वो जनरेट होता है किसी एक ओवरी के थ्रू। यूटेरस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म्स एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, तो एग भी हमारा क्या है
सिंगल सेल है, तो ये क्या ह्यूमन ओबम है, क्या है ये ओबम बोलते हैं उसको, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब देखो ओबम वाला पार्ट हमारा ये है, स्पर्म ये देखो ये स्पर्म है, तो जो स्पर्म यहाँ पर ये फर्स्ट है तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। अब ये जो हाईलाइटेड है इसको पढ़ने आप, हाईलाइटेड दिया है कि वो जो रिकॉर्ड दैट द साइज ऑफ द एग इन द एनिमल वेरीज, द एग मे बी वेरी वेरी स्मॉल इन द ह्यूमन, ह्यूमंस मच लार्जर इन द हैंड्स, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, तो कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्यूजन है ऑफ द स्पर्म, स्पर्म और ओबम, तो स्पर्म जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है, और ओबम जो है वो आपका क्या है फीमेल पार्ट है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, फ्यूज होंगे और यहाँ से जो बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। When sperms come in contact with the egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, क्या बनाएगा, सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूजन क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा और उस जायगोट के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, है ना, और जो न्यूक्लियस किससे बनेगा, दोनों के मतलब आप बोल सकते हो कि ओबम एंड स्पर्म के फ्यूजन से बनता है। कह रहे डिड यू नो दैट द जायगोट इज अ बिगनिंग, जायगोट क्या, बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, तो जो जायगोट है वो आपका सबसे पहला स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, तो जो एग सेल होता है वो कहाँ से आता है, वो बच्चे बेबी के मदर से आएगा एंड जो स्पर्म होगा वो बेबी के फादर से आएगा, ठीक है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, तो बेबी के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना, जो क्रोमोसोम होंगे, है ना, वो दोनों से होंगे, मतलब मदर्स के भी होते हैं, मदर के भी होंगे एंड फादर के भी होंगे, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज होंगे, कितने परसेंट किसके होंगे ये नहीं कह सकते भी। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकोगनाइज सम करेक्टरिस्टिक्स इन इन देम सिमिलर टू दोज योर फादर, हैबिट हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, आपकी हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान दें यहाँ पर दो चीजें, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो अगर ओबरी के अंदर हो रहा है ना, ओबरी के अंदर, तो यूटेरस के अंदर, तो यूटेरस के अंदर अगर ये हो रहा है तो ये कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हेंस, तो इनके अंदर क्या होता है, ये इंटरनल होता है, इनकी बॉडी के अंदर ही होता है, फीमेल जो बॉडी उसके अंदर, कुछ ऐसे फर्टिलाइजेशन होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करें कि Have you heard of the test tube babies? तो test tube babies जो होते हैं उनका fertilization जो किया जाता है वो lab के अंदर या tube के अंदर किया जाता है ना। मैं इसको पढ़ लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वो जो है पहली teacher once told them in the class that some women oviducts are blocked, है ना। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. Such cases, doctors कहते हैं collect करते हैं freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, इसको क्या बोलते हैं इस method को, in vitro fertilization, fertilization outside the body. In case of fertilization occurs, the zygote is allowed to develop and about a week, then it is placed in the mother's uterus. उसके बाद इसको mother की uterus में place कर दिया जाता है, complete development takes place in the uterus and baby is born like any other baby. और उस बेबी में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, एकदम वैसा ही बेबी होगा जो पहले की तरह। कह रहे बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो नहीं करता है, ये जो मदर है उसके यूटेरस में ही ग्रो करेगा, बट जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड करा जाता है, वो ट्यूब के अंदर कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ लगे यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेबी ऑफ द बेबी ऑफ फीमेल। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर,
वाटर, लेट अस फाइंड हाउ दिस हैपन, तो कैसे ये हैपन होता है। तो देखो यहाँ देखें, ये पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग। अब आपको पता होगा कि जो मच्छर होते हैं या फिर फिशेस होती हैं उनमें ऐसा होता है। लुक्स आउट द क्लस्टर फ्रॉक्स, हाँ फ्रॉक के एग देख लो आप फ्लोटिंग इन द वाटर, राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। अब यहाँ से देख लेते हैं, कह रहे हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स एंड टोड्स मूव्स टू द पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्टीम व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टूगेदर इन वाटर। द यहाँ देखें द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स अनलाइक हेंस एग, ठीक है। फ्रॉक्स एग इज नॉट कवर्ड बाई द शेल एंड इट इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। लोगों इस तरह के आपको एग्स मिल जाएंगी। एग्स होते हैं किसके, फ्रॉक्स के एग्स मिल जाएंगे, ठीक है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म, तो जैसे ही जो फीमेल फ्रॉग है, फीमेल वो क्या करेगा, ये थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज करेगा और इसके ऊपर जो मेल फ्रॉग है वो क्या करेगा, स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा इसके ऊपर, ठीक है। क्या करेगा, इसके ऊपर स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और जो स्पर्म है वो एग के कॉन्टैक्ट में आएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ही चला गया, फिर यहाँ पर क्योंकि इनकी टेल होती है स्पर्म की, तो वो उसके थ्रू स्विम करने लगते हैं आराम से। अब देखिए नेक्स्ट, कहें दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विज द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है, बाहर आउटसाइड होता है। करें कि वाई डू फिश एंड फ्रॉक्स ले एग्स इन द हंड्रेड्स वेयर एज द हेंस लेज ओनली वन एग्स एट अ टाइम। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं कि दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, तो हर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, उसमें से बहुत सारे जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स आर गेट स्पोक्स टू वाटर मूवमेंट एंड विंड एंड रेनफॉल, ऑल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड्स विच मे फीड ऑन एग्स, दस प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ देखें, अब देखो इससे रिलेटेड मैं कहा एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता था, अगर आप आज से 20-25 साल पहले देखोगे तो पॉपुलेशन का बढ़ने का एक ये भी था कि बहुत सारे बेबी ऐसे होते थे जो जिनकी डेथ हो जाती थी, तो माँ बाप क्या करते थे, वो कोशिश करते थे कि हमारे बेबी जो है, क्योंकि बहुत सारे बेबी से 14 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स में अचानक से बीमारी हुई और वो ख़त्म हो गया ना, उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि हमारे अगर 10 पैदा किए तो 2-3 तो बच ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो ये जो डेथ रेट है वो आपका कम होता गया, आप बोल सकते हो कि जो आपका जो रेट है मतलब आउट ऑफ 1000 है वो आपका मतलब पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब वो डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये इनके अंदर के अगर ये थाउजेंड से हंड्रेड्स ऑफ एग को अगर ले करेंगे तो इसमें होगा क्या कि मान लो कि 1000 में अगर 100 भी फर्टिलाइज करके तो उनके 100 बेबी हो गए, ठीक है। ये अब देखो यहाँ कह रहे हैं, अगर यहाँ पर हम देखें देखो वैसे तो ये अगर ये वाला देखें कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसी से रिलेटेड जो नीचे है वो पूरा फिगर है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और यहाँ पर है विवीपोरस एंड ओवीपोरस एनिमल्स यंग वंस ऑफ एडल्ट्स असेक्सुअल प्रोडक्शन और उसके बाद आपका हो जाएगा ये लास्ट है। तो ये जो बाकी पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, है ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा कम बचेगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आर्यमती की अहमद साइनिंग ऑफ।